नमस्कार, मैं आकांक्षा तिवारी आप सबका स्वागत करती हूँ वायरल वर्सल्स फैक्ट में। जैसे कि सब जानते हैं, अमित शाह एक बार फिर से दिल्ली में जितने भी कोरोना की दिक्कतें हैं उन्हें संभालने के लिए फिर सामने आ गए हैं। तो जब वो सामने आए हैं उन्होंने काफ़ी सारे बड़े बड़े फैसले ले लिए हैं। क्या है वो फैसले, चलिए आपको बताते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और दिल्ली के अस्पतालों में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का दबाव डाला है। इस बैठक की अध्यक्षता करने के बाद अमित शाह ने कहा है कि कुछ एमसीडी अस्पतालों को समर्पित कोविड अस्पतालों में परिवर्तित कर दिया जाएगा। ऑक्सीजन की सुविधा के साथ बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के लिए 10,000 बिस्तरों वाले छतरपुर कोविड दखल केंद्र में को मजबूत बनाया जाएगा। चिकित्सकों, अर्धसैनिक और बलों के साथ इन सारी चीजों से निपटाने की पूरी तकनीकी बनाई जाएगी। अमित शाह ने कहा कि आरटीपीआर जांच को दोगुना कर दिया जाएगा। डीआरडीओ केंद्र में 300 से ज्यादा जो व्यवस्थाएं हैं बिस्तरों को लेकर उनको बढ़ा दी जाएगी। अधिक से अधिक लोगों को जान बचाने के लिए केंद्र दिल्ली को ऑक्सीजन, उच्च प्रवाहन नाक नालिका और अन्य स्वास्थ्य उपकरणों को प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि जहां पर कुछ उपलब्ध 1,000 से ज्यादा कोविड-19 बड़ों से जो केसेस सामने आए हैं उनको ऑक्सीजन वगैरह देने की उपलब्धि पूरी कराई जाएगी। मोदी सरकार ने दिल्ली में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को देखते हुए CAPF से अतिरिक्त डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को भी देने का निर्णय ले लिया है। उन्हें शीघ्रता से शीघ्र जितना जल्दी हो सकेगा उतना एयरलिफ्ट करके दिल्ली लाया जाएगा। खैर, अब आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शंस में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।